रीयूज्ड कंटेंट क्या है, ये क्यों आता है। हाय फ्रेंड, जय जगन्नाथ, वेलकम बैक टू गुडी सम्स फैमिली ब्लॉग। आज मैं आप लोग के लिए ना ही कुछ ब्लॉग लेके आई हूँ, ना ही कुछ रेसिपीज लेके आई हूँ। आज मैं आप लोग के साथ एक इंफॉर्मेटिव वीडियो शेयर करने वाली हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप लोग को जैसे कि पता है, आज की डेट में YouTube का रूल्स, YouTube का पॉलिसीज बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है, बहुत ही हार्ड हो गया है। YouTube आजकल बहुत से चैनल को डिमोनिटाइज करता है। आप लोग को थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि आज मैं रीयूज्ड कंटेंट के बारे में शेयर करने वाली हूँ। ज़्यादा जानकारी तो मेरे पास भी नहीं है, फिर भी जितना जानकारी मेरे पास है मैं सोची आप लोग के साथ शेयर कर लूँगी, ताकि आपको भी थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। रीयूज्ड कंटेंट क्या है, ये क्यों आता है। ज़्यादातर रीयूज्ड कंटेंट का क्लेम कुकिंग चैनल में आता है, क्योंकि वो सेम रेसिपीज़ को जो लॉन्ग वीडियो में डालते हैं उसी को ही शॉर्ट्स वीडियो में डालते हैं, ये हो जाता है रीयूज्ड कंटेंट। ये पहले से नहीं था, अभी हो रहा है, क्योंकि अभी शॉर्ट्स को मोनेटाइज कर दिया गया है। आप लॉन्ग वीडियो में सेम रेसिपीज में जो अर्निंग करोगे उसी को शॉर्ट्स में डाल के आप अर्निंग नहीं कर सकते हो, इसको रीयूज्ड कंटेंट में ये पूरा चला जाता है। सब यही सोचते हैं कि जिस कंटेंट को हम रिपीट करते हैं, जिस कंटेंट को हम बार बार डालते हैं हमारी चैनल में, उसको रीयूज्ड कंटेंट बोलते हैं। यही सही है। हम हमारी चैनल से कुछ वीडियो हो गया, कुछ क्लिप हो गया, उसको अगेन डाउनलोड करके हम खुद की चैनल में शॉर्ट्स में डालते हैं, रीयूज्ड कंटेंट में जाता है। हम दूसरे क्रिएटर्स की चैनल में जाते हैं, कुछ वीडियो हो गया, कुछ क्लिप्स हो गया, कुछ म्यूजिक हो गया, उसको डायरेक्ट हम डाउनलोड कर लेते हैं और अपने चैनल को ग्रो कराने के लिए हम हमारी चैनल में डालते हैं, ये रीयूज्ड कंटेंट हो गया। जैसे कि हम गूगल से इमेज वगैरह डाउनलोड करते हैं, हम गूगल से कुछ ना कुछ सॉन्ग्स डाउनलोड करते हैं, कुछ वीडियो क्लिप डाउनलोड करते हैं और उसको हम हमारे चैनल में डालते हैं, वो वीडियो हो गया कुछ भी, जैसे कि न्यूज में कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाता है, कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ मूवी हो गया, मूवी से भी कुछ क्लिप अगर हम डाउनलोड करके हमारे चैनल में उसको अपलोड करते हैं, कुछ छोटा सा क्लिप भी हो गया, तो वो भी रीयूज्ड कंटेंट में जाता है। उसमें हम भले ही फिल्टर डालते हैं, कुछ खुद का फोटोज डालते हैं और थोड़ा बहुत डालते हैं, तो ये भी रीयूज्ड कंटेंट में जाता है। तो रीयूज्ड कंटेंट में जाने के बाद YouTube हमारी चैनल को डिमोनेटाइज कर देता है। और जैसे कि जिसका चैनल नया नया मोनेटाइज हुआ है, उनका चैनल 1 मंथ के लिए डिमोनेटाइज हो जाता है, और जिसका चैनल बहुत दिन से मोनेटाइज है उसके चैनल 3 मंथ के लिए डिमोनेटाइज हो जाता है। तो उसको फिर हमको अप्लाई करना पड़ता है, ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। हम उसको कैसे अप्लाई करते हैं और उसी सेम वीडियो को, सेम म्यूजिक को किस तरीके से हमारी चैनल से डालने से ये पेड क्लेम नहीं आएगा, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी। आप वीडियो में प्लीज़ कंटिन्यू रहिए। जैसे कि हम दूसरी चैनल से कुछ वीडियो हो गया, कुछ क्लिप हो गया, न्यूज़ चैनल से कुछ वीडियो हो गया, कुछ क्लिप हो गया, म्यूजिक चैनल से कुछ म्यूजिक हो गया, उसको हम डाउनलोड करके हमारी चैनल में भी डाल सकते हैं, उसमें रीयूज्ड कंटेंट नहीं आएगा ना। उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा एडिटिंग करना पड़ता है, खुद का क्रिएटिविटी दिखाना पड़ता है, उसमें हम खुद का ओपिनियन डालना पड़ता है, उसमें फिल्टर डालो, खुद का फेस दिखाओ, कुछ रिटिन में हो, कुछ बोलते हुए हो, कुछ भी हो, आप डाल के उसको अपने चैनल में अपलोड करते हो तो उसमें क्लेम नहीं आएगा। जैसे कि कुछ मूवी का क्लिप हो गया तो उसको हम डाउनलोड भी कर सकते हैं, उसको डायरेक्ट हम वीडियो रिकॉर्डिंग करके हमारी चैनल में भी डाल सकते हैं, बट उसमें खुद का कुछ क्रिएटिविटी होना चाहिए, कुछ उस वीडियो के ऊपर कुछ रिटिन रहना चाहिए, फिल्टर डालो, खुद का फेस ऐड करो, कुछ भी करो, कुछ चेंजेस उसमें होना चाहिए, तभी उसमें रीयूज्ड कंटेंट नहीं आता है। और एक बार हमारा चैनल रीयूज्ड कंटेंट में आ जाता है, मोनेटाइज करने में बहुत प्रोसेस होता है। जैसे कि उसको हम यूट्यूब सपोर्ट टीम से मेल में हो, मैसेज में हो, बात करना होता है, उनसे बात करो किस वीडियो में हमारा आया है रीयूज्ड कंटेंट, वो उनसे कंफर्म करो। उसी वीडियो में जो चीज़ है उसको अगर आपको क्लियर करना है तो उनको एक अपील वीडियो बना के शेयर करना पड़ेगा यूट्यूब टीम के साथ। अगर वो लोग आपकी अपील वीडियो को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ठीक है, आपकी चैनल अगेन मोनेटाइज हो जाएगा आपका। अगर वो उस अपील वीडियो को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो अगेन आपको 3 मंथ के लिए वेट करना पड़ेगा, 3 मंथ। आज का वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, पास में जो बेल आइकन है उसको ऑल में क्लिक कर लीजिए, ताकि मेरी सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में, नए वीडियो में, नए रेसिपीज में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।